वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचता रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो पर्सेंट से संबंधित है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सेंट होता क्या है, पर्सेंट का मतलब क्या होता है, पर्सेंट कैसे या पर्सेंट की परिभाषा क्या होती है। तो हम आप सबसे पहले आपको बताएंगे प्रतिशत की परिभाषा या प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत हमारा होता क्या है, पर्सेंट मतलब कहते किसको हैं, पर्सेंट को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप बता रहे हैं प्रतिशत का अर्थ होता है प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत का अर्थ होता है। यदि मतलब आपको नहीं मालूम है तो आप इसको मालूम कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है, अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है, जिसका हर सौ तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। ये तो हमारा हो गया प्रतिशत की परिभाषा या प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा आता प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। तो अब चलिए देखते हैं, जैसे हम इसको मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे हमको 10% को ज्ञात करना है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा इसका ज्ञात करने का तरीका जो होता है, अब इसमें हम 10% को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे और 100 को नीचे। अब इसको काटेंगे 10 × 10 = 100, तो हमारा उत्तर आया 1/10। उसी प्रकार जैसे हम 20 को ज्ञात करेंगे, 20 को जैसे ज्ञात करेंगे 20% बराबर तो 20/100, 20 × 20 = 20, 20×5 = 100, हमारा इसका उत्तर आ गया 5/5। तो ये हमारा परसेंट निकालने का तरीका या परसेंट का अर्थ होता है। तो अब देखो आगे बताते हैं रूल नंबर 1 हमारा क्या फॉलो करता है। तो किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, कोई दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसमें क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है। जैसे हमको
जैसे 30% को हमको भिन्न में बदलना है, 30% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 30 हमारा ऊपर रहेगा, 100 हमारा नीचे रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, एक सबसे पहले भाग नहीं जाएगा, 0 देंगे, 0 के बाद दशमलव, फिर उसके बाद तीन बार में हमारा चला जाएगा, तो हमारा उत्तर हुआ 0.3। हमारा उत्तर कितना हुआ, 0.3। तो हमारा जो क्या होगा, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो हम आपको परसेंट का अगला मतलब कुछ और सवाल लेकर के, आप अगले टाइप के जो सवाल होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो देखना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद, तब तक के लिए।